बनाना बताऊंगी। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच में देशी घी का डालूंगी। घी गर्म हो गया है, दो चम्मच में कटी हुई हरी मिर्ची इसमें डाल दूंगी, एक चम्मच बारीक कटा अदरक इसमें डालेंगे, इसको हम डालेंगे। मिर्ची और अदरक अच्छी से भुन गई है। ये मैंने एक चम्मच काजू और दो चम्मच मैंने खरबूजे के बीज लिए थे, इन्हें 10 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं इस घी में डाल दूंगी मिर्ची और अदरक के साथ। इसको भी हम हल्का कर लेंगे, इसको भी हमने भून लिया है। इसमें एक कप में पानी डालूंगी। ये मैंने एक फूल गोभी ली है और उसको मैंने काट कर धो लिया है। ये फूल गोभी हम इसी मिक्सर में डाल देंगे। इसको हम 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, गोभी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे इसमें, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर है मेरे पास, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको लगभग 2 मिनट तक हम फिर से पकने देंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी इसमें डालेंगे। अब हम 2 मिनट हमारे हो चुके थे। और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी है मेरे पास, वो भी हम इसमें डालेंगे और इसको चलाएंगे। 1/4 कप मेरे पास फ्रेश क्रीम है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे गोभी के अंदर। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। गोभी हमारी अच्छे से पक गई है, गैस को हम ऑफ करेंगे। अब गैस को ऑफ करने के बाद 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसको भी मिला देंगे। अब हम इसे सर्विंग बोल में डालेंगे। बीच में एक धनिया पत्ती रखेंगे। अब ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लीजिए, हमारी मलाईदार गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे तवा रोटी, नान, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं।